I'm sorry, Ushali. उस दिन जो तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, पर मैं अपना हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता. I'm really very sorry, Ushali. It's okay. माफी मांगने की क्या जरूरत है? होता है. इसका मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? Thank God. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझे माफ कर दोगी. ओए, इससे क्या बात कर रहे हैं? मुझसे बात कर रहा हूँ? क्या बोलना है? संजीव, ये मुझसे माफी मांग रहा था. He really is very sorry. हाँ संजीव, मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता. I just can't stop laughing. I'm sorry, यार. कल तुम भी लाइन भूल रहे थे, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे. हम लोग हंस रहे थे तुम पर. देखो रितेश, हमें एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना. ठीक है, अगली बार से ध्यान में रखना. बुजुर्गों ने तो वैसे भी कह ही रखा है, बहू अपने से गरीब घर से लानी चाहिए और बेटी अपने से बड़े घर में देनी चाहिए. मगर सूद फैमिली हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके मुकाबले में हम तो. दौलत का मुकाबला क्यों करते हो? संस्कार, शिक्षा, तहजीब, किस चीज की कमी है हमारी बेटी में? और फिर सोनम तो इतनी शार्प है कि अगर वो लोग चाहेंगे ना तो वो जतिन के काम में भी उसकी मदद कर सकती है. मुझे इस बात पे जरा शक नहीं है कि सोनम वहां ठीक तरह से एडजस्ट कर पाएगी या नहीं. एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनने के सारे गुण है सोनम में. मगर मुझे ये फासला कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है. लेकिन उन दोनों के बीच जो प्यार है ना, उसने इस फासले को कम कर दिया है. काश ये दूरी ना हो. यार सूद, मैं तो बुजुर्गों की बात मानता हूँ कि घोड़े पे माल लगाओ तो नस्ल देख के लगाओ, और फल को मत देखो, उस मिट्टी को देखो जिससे वो फल निकला है. अगर मिट्टी सही है तो बाकी सब सही है. वाह, क्या बात कही है तूने कपूर. लगता है मूछे कटवाने के बाद इसमें अकल आ गई है. तेरी संगत में अकल नहीं आएगी तो क्या होगा भाई? भाई तेरी अकल, तेरा खानदान, तेरी तहजीब, ये सब देखने के बाद आदमी समझ ही सकता है कि जतिन कैसा होगा भाई. आइए बेटी. सच कह रहे हो कपूर, अमीर तो सैकड़ों मिल जाते हैं, लेकिन खानदान, खून, ये सब बाजार में थोड़ा ही बिकता है. क्या बात कही तूने यार. देख कुंती मेरी इकलौती बेटी, उसके लिए शादी के लिए इतने रिश्ते आए, इतने रिश्ते आए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन कहीं हिम्मत ही नहीं हुई. लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में कुंती की शादी करके मैं चैन की नींद सो सकता हूँ. अरे भाई, कुंती को देखकर तो हम भी चिंता से मुक्त हो गए. हमारा भी तो इकलौता बेटा है, हमारी बहू सूद एम्पायर की मालकिन बनने वाली है. एक खानदानी लड़की समझ सकती है कि किसी खानदान की इज्जत को कैसे मेंटेन किया जाता है. ये चीजें सिखाने से नहीं आती हैं, ये परवरिश में होनी चाहिए. क्यों गीता जी? फिर भी भाई साहब, मैं समझती हूँ कि जतिन और कुंती एक बार एक दूसरे से मिल लें, एक दूसरे को देख लें तो बेटर होगा. अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? क्या बात करता है यार सूद, जमाना बदल गया है. आजकल सब ये मानते हैं कि शादी से पहले अगर लड़का लड़की एक दूसरे से मिल लें, साथ में घूम फिर लें, तो एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं. लेकिन मैं ये नहीं मानता यार, आधे घंटे में कोई किसी को कितना समझ सकता है? अब तो मुझे ही देख ले, 25 साल हो गए मेरी शादी को और मैं आज तक अपनी बीबी को नहीं समझ पाया.
जतिन, जतिन, जतिन। यस सर। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन बेल हो गई है, हमें यहीं रुकना होगा। सर ये सीन कंप्लीट होने वाला सर। प्लीज सर। लेकिन आप लोगों को दूसरी क्लास में भी तो जाना होगा। सर प्लीज सर, अच्छा मूड बन रहा था सर। 5 मिनट की तो बात है। प्लीज सर, सर 5 मिनट और सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज 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 सर। कॉलेज में जब से ये ड्रामे रामे शुरू हुए हैं, स्टूडेंट्स क्लास में देर से आने लगे हैं। भाई मैं तो दरवाजे पे खड़ा खड़ा इंतजार ही करता रहता हूँ। इस बात को छोड़िए, देर से ही सही, पर विद्यार्थी आते तो हैं। लेकिन मैडम मेरे क्लास में कोई आता ही नहीं, उन्हें जाके बुलाना पड़ता है। खैर मेरा प्रश्न ये है, क्या इस सब की जरूरत है? सीधे सीधे किताब की पढ़ाई क्यों नहीं होती है? मिस्टर माथुर, ये सवाल कई लोगों ने उठाया है। अनिरुद्ध जी, हमारे देश में इतने सारे महापुरुष हुए हैं, क्या सभी ने नाटक किए थे? मतलब बताइए। गुप्ता जी, कई सारे महापुरुष ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी किताब नहीं पढ़ी या जो अनपढ़ है। तो क्या हम किताब पढ़ना और पढ़ाना बंद कर दें? मिस्टर माथुर, इस मीटिंग के 2 मुद्दे हैं। एक तो ये कि आपको आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए जितना वक्त दिया जा रहा है, क्या उसका उतना फायदा हो रहा है? और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स दूसरे क्लासेस में देर से जाते हैं। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं मैडम। मैंने स्टूडेंट्स को रिहर्सल हॉल से वक्त पर भेजा था, अब वो अगली क्लास में वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे, इसका पता मैं जरूर लगाऊंगा। आइंदा उनसे यह गलती नहीं होगी, आई अश्योर। अनिरुद्ध जी, भाई लिटरेचर तो हमने भी किताबों से ही पढ़ा था, फिर ये नाटक वाटक करवाने की क्या जरूरत है? वो इसलिए गुप्ता जी क्योंकि मेरी शिक्षा सिर्फ लिटरेचर तक सीमित नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नाटक के लिए सारी चीजें खुद स्टूडेंट जुटा रहे हैं। रिहर्सल की टाइमिंग, नाश्ता सब खुद मैनेज कर रहे हैं, और नाश्ता कंट्रीब्यूशन करके लाया जाता है। कुछ स्टूडेंट सिर्फ कैश हैंडल कर रहे हैं। यानी कि कॉलेज में आप नाटक मंडली के साथ साथ होटल भी शुरू कर रहे हैं, क्यों? आपने बिल्कुल ठीक समझा है जी। जी हाँ, यही तरीका है स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने का, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करने का, कॉन्फिडेंस पैदा करने का। गुप्ता जी, हो सकता है 2-4 साल बाद स्टूडेंट्स ये हैमलेट भूल जाए, लेकिन ये सारी चीजें उनका जिंदगी भर साथ देंगी, उन्हें याद रहेगा ये एक्सपीरियंस। ये तो हम सब जानते हैं कि किताबों की पढ़ाई कितनी काम आती है, पर शायद आप भी इस वक्त नहीं बता पाएंगे कि होनोलुलु शहर है या देश। आप जो बता रहे हैं वो कोई नया पॉइंट नहीं है, ऐसा ही एक आर्टिकल मैंने एक अंग्रेजी मैगजीन में हाल ही में पढ़ा था। अब पूरा तो नहीं पढ़ पाया था इसलिए ये नहीं बता सकता किसने लिखा था, मगर था ऐसा ही कुछ। वो भी गुप्ता जी, आप कोई भी काम बेमन या निपटाने की वजह से मत कीजिए, अधूरा मत छोड़िए। अगर आपने वो आर्टिकल पूरा पढ़ लिया होता तो आखिर में आप मेरा नाम भी पढ़ते। जी जी हाँ, वो आर्टिकल मैंने लिखा था। अच्छा, लेकिन आप वो आर्टिकल पढ़िएगा जरूर, मैं आपको कॉपी भिजवा दूंगा आज ही। जी चाचा। बोल पुत्र। इंग्लैंड और अमेरिका में हमारी उम्र के बच्चे बड़े फास्ट होते हैं। अच्छा जी। इश्क भी कर लेते हैं और ऐश भी कर लेते हैं, और एक हम है जिन्हें आई लव यू कहने के लिए उम्र के 25 साल खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। तो जाके बोलना आई लव यू, तेरा मुंह किसने पकड़ के रखा है? मैं तो अभी जाके बोल दूं, मगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ लड़की सबसे पहले ये देखती है कि लड़का अपने पैरों पे खड़ा है कि नहीं खड़ा,
कमाता कितना है? और अपने पैरों पे खड़े होते होते सारी जिंदगी गुजर जाती है, फिर काएगा प्यार, काएगा इश्क, क्यों? इस मामले में अपनी जतिन की किस्मत बड़ी अच्छी है यार, उसे आई लव यू का जवाब आई लव यू टू से मिला है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आई लव यू का जवाब ये कह के मिलता है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। बस यार बड़ी अजीब सी गंदी सी लाइन है यार कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो बस। क्यों चाचा? हम क्यों क्या मालूम पुत्र, ओए हमारे टाइम में ये आई लव यू आई लव यू नहीं हुआ करता था। ओ हमारे गांव में तो आई लव यू बोले बगैर ही 8-8 बच्चे पैदा कर देते थे लोग की। वैसे चाचा आपने किसी को कभी आई लव यू कहा है? ओला देख क्या कह रहा है, ओए हमको ही तेरे को लल्लू पंजू लगते हैं। ओ बोला यार हमने भी बोला। फिर क्या जवाब मिला आपको? ओए जवाब क्या मिलना, ओ वो लड़की कुछ पागल थी, वो एकदम परेशान सी हो गई और रोने लग गई यार, जाके बापू को बोल दिया। तो फिर क्या कहा उसके बापू ने? अरे उसके बाप को नहीं, ओ मेरे बापू को बोल दिया। हाँ फिर क्या था, मेरा बापू नए नए जूते लेकर आया था, ओ मार मार मेरे को जूते के नंबर ही मिटा दिए उसने। चाचा मुझको ये बताओ आपने उस लड़की से बदला लिया कि नहीं लिया? ओए बदला क्या लेना पुत्र अपनी वोटी से, ओ छोड़ दिया। मतलब वो लड़की आपकी बीवी थी? हाँ पुत्र इसीलिए तो कहता हूँ कि हमारे टाइम में आई लव यू आई लव यू का फैशन नहीं होया करता था। देखते हैं यार अपने जतिन का क्या होता है, उसने मोहब्बत के दरवाजे पे पहली दस्तक तो दी है, अब ये दरवाजा खुलता है या नहीं खुलता है इसका इंतजार है भाई। जतिन तुम सोनम, सोनम सोनम क्या हुआ रुशाली? कोई आया है। कौन आया? सोचो सोचो सोचो। रुशाली जतिन आया है, मम्मी पापा के साथ बात कर रहा है। तो कौन सा पहली बार आया है? अच्छा फिर तेरा चेहरा गुलाब की तरह क्यों खिल रहा है? रुशाली रुशाली की बच्ची है, मेरी रुशाली की बच्ची है, बहुत आ रही है। शिल्पा जतन एक सेंसिटिव लड़का है, अगर उसके घर वालों ने यह रिश्ता नहीं माना तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब? एनीथिंग शिल्पा, मे बी सुसाइड। नहीं नहीं जतन ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, एटलीस्ट वो ऐसे साइंस तो नहीं दिखाता। दिखाता नहीं है शिल्पा पर है। वो हमेशा सप्रेशन में रहता है, उसके डैडी को उसकी हॉबीज नहीं पसंद, वो लड़की नहीं पसंद जिसे वो चाहता है। He has to fight for everything he likes. जी अंकल, मैं डैडी से बात करता हूँ। अगर इसी हफ्ते आपकी और उनकी मुलाकात हो सकती है तो। एनी डे बेटा, हम तो शाम को ऑफिस के बाद घर पर ही रहते हैं। हाँ बेटा, हम आएंगे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने, जब भी उन्हें वक्त हो हमें बता देना। बस एक दिन पहले सोनम को बता देना। जी जरूर, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आना फिर। हाँ जरूर। थैंक यू। बाय सोनम। बाय रुशाली। कपूर अब तेरी कंजूसी नहीं चलेगी, मैं अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करने वाला हूँ। अच्छा। शहर के बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, पॉलिटिकल लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सब आने वाले हैं। तू वाकई सट के आ गया है। तू क्या सोचता है मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी में कंजूसी करूंगा? अरे यह शादी इतने धूमधाम से होगी कि सारा शहर आके फाड़ फाड़ कर देखेगा। आफ्टर ऑल
इंडिया के दो बड़े बिजनेस हाउसेस का मिलन हो रहा है यार। हेलो बेटा जतिन, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। कहाँ थे अब तक? मैं कॉलेज में रिहर्सल्स कर रहा था। अच्छा अच्छा, कम ऑन जॉइन अस। नहीं अंकल, मैं शराब नहीं पीता। हैं? लगता है इसके दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं है यार। नहीं ऐसी बात नहीं है, सुबह जल्दी उठ के रिहर्सल्स में जाना है। अच्छा ठीक है, प्लीज। ओके, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। एनीवे, ओह कम ऑन शिल्पा, मैं इस अंतर की बात नहीं कर रहा हूं। अंतर एक ख्यालों का, उनकी सोच का। मैं बस यही सोच रहा था कि यही अंतर इन दो परिवारों में दीवार न बन जाए, जो इन बच्चों के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। शिल्पा, सोनम के मां बाप के लिए पैसा सिर्फ एक जरूरत है, और मिस्टर सूद के लिए पैसा सब कुछ है। सोनम के घर इंसान की पहचान उसके गुणों से हो जाती है, लेकिन मिस्टर सूद के लिए इंसान में पैसे कमाने का गुण है या नहीं, बस यही देखा जाता है। सोनम के मां बाप तो उसके लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, और मिस्टर सूद के लिए घर ब्याही बहू भी एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, एक्सपांशन की। मैं इस अंतर की बात कर रहा हूं शिल्पा। गगन में जगमग करते सूरज चंदा ये